राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार हो रहा है दिल्ली के लोधी रोड में। ये अंतिम संस्कार है। शुभ्रा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंची। आप जानते होंगे शुभ्रा मुखर्जी का गृहनगर बांग्लादेश में है। हालांकि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तभी उनका परिवार हिंदुस्तान आ गया था, पश्चिम बंगाल में बस गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी आप देख सकते हैं शुभ्रा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कई सालों से बीमार चल रही थी हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी। देखते हैं कई बड़े बड़े लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। कई उद्योगपति भी आपको दिख जाएंगे, अनिल अंबानी भी। कल ही दिल्ली के आर्मी अस्पताल में शुभ्रा मुखर्जी का निधन हुआ था। 74 साल की थी और काफी समय से बीमार चल रही थी। उनको सांस लेने में तकलीफ हुई जिसके बाद उन्हें 7 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 58 साल पहले प्रणब मुखर्जी ने शुभ्रा मुखर्जी से शादी की थी और पिछले कई सालों से जब से वो बीमार थी सिर्फ बिस्तर पर ही रहती थी। तब वो बताती हैं, उनके दोस्त बताते हैं कि प्रणब मुखर्जी हर शाम उनके साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारते थे। इस बार भी जब वो अस्पताल में थी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ओडिशा में थे, जैसे ही उन्हें निधन की खबर मिली वो फौरन दिल्ली आए अपना दौरा छोटा करके, और उसके बाद उनके ऑफिस ने ट्विटर पर शुभ्रा मुखर्जी के निधन की पुष्टि की। आज देखिए उनका अंतिम संस्कार फिलहाल लोधी रोड के क्रिमेटेरियम में चल रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इसलिए भी आई हैं इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए क्योंकि मुखर्जी परिवार से काफी करीबी संबंध रहे हैं शेख हसीना के। और जैसे मैंने पहले बताया शुभ्रा मुखर्जी का परिवार मूलतः बांग्लादेश से था। बांग्लादेश में ही वो पैदा हुई थी। जब वो 10 साल की थी तब उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर बस गया था। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोधी रोड पहुंचे हुए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हैं।